हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो डेकोर वीडियो है, तो जो भी इंटरेस्टेड है होम डेकोर प्रोडक्ट्स में तो वो प्लीज इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो मैंने दो तीन जगह से लिए हैं, उनके लिंक जो भी होंगे परचेज लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है, उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अगर इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और जो भी दो विनर्स होंगे उनको मिलेंगे अमेज़न के गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹500 ईच। तो ये जो वाउचर्स है वो मैं आपको मेल के थ्रू सेंड करूंगी उन विनर्स को। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो प्रोडक्ट्स लिए हैं वो मैंने ऑनलाइन लिए हैं, ये मैंने अमेज़न से भी मंगाया है, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जो पर्टिकुलर स्टोर्स हैं उनकी ऐप से लिए हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गया उसकी ऐप से लिया है मैंने, टाटा क्लिक की जो ऐप है वहां से, और जो एट होम की वेबसाइट है मैंने वहां से मंगाया है। एट होम के प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न पे भी अवेलेबल है, तो मुझे जिसके भी लिंक मिलेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ। जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैंने लिया है Amazon से, वो ये मैंने एक वॉल हैंगिंग मंगाई है ये, और ये मैं काफी टाइम से देख रही थी इसको, और मेरा मन था इसको मंगाने का, पर मुझे लग रहा था कि जो कलर्स मुझे एग्जैक्टली दिख रहे हैं इमेज में क्या वही होंगे या डल कलर्स होंगे, तो मैंने इसको मंगाया है और ये कलर्स एग्जैक्टली वही हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो काफी ब्राइट कलर्स की ये वॉल डेकोर है, और जो फ्रेमिंग है बहुत बेसिक है, इसकी प्राइस भी बेसिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मिला है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। और ये जो प्रिंट है वो नॉर्मल एक MDF जो बोर्ड के ऊपर इसको पेस्ट किया गया है इस प्रिंट को, तो कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और मेरे डेकोर के साथ मैच करते हैं। मैंने इसको रूम में हैंग किया है, पिक्चर मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो ये वॉल डेकोर मुझे अच्छी लगी है, एब्स्ट्रैक्ट सा ऐसे ही लगता है, पैच वर्क सा किया हुआ है, और बहुत ही प्यारी लगती है ये हैंग की हुई। तो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे पीस अच्छा लगा है। बैक साइड पे इसके ये हैंग करने के लिए क्लिप दिया हुआ है, तो इसमें ये इसके थ्रू ये हैंग हो जाता है आराम से, इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, इसी के ऊपर ये प्रिंट पेस्ट किया हुआ है, बेसिक सा है, बट कलर्स अट्रैक्टिव होने की वजह से और ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा था उस वजह से मैंने ये मंगाई है। नेक्स्ट जो है वो मैं एक कैंडल होल्डर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैंने टाटा क्लिक से मंगाया है, वेस्ट होम का ये प्रोडक्ट है, स्टार शेप में बना हुआ है, कलरफुल सा है, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। आप इसको चाहें तो ये हुक दी हुई है हैंग करने के लिए, तो आप हैंग भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से कहीं पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं सेंटर में, और इसके अंदर ये आप कैंडल लिट कर सकते हैं, टी लाइट कैंडल लिट होगी इसमें। ये यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है इसको ओपन करने के लिए, तो ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे टी लाइट होल्डर बना हुआ है, इस पे आप रख के आप इसको लिट कर सकते हैं और ये बंद हो जाता है, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ओपन है ताकि जो हीट है वो निकलती रहे, और हैंग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेबल पे प्लेस भी कर सकते हैं इसको, तो कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कलर्स अट्रैक्टिव हैं तो मुझे अच्छी लगी थी ये, और चलता हुआ काफ़ी प्यारा लगता है, तो मैंने ये टाटा क्लिक से मंगाया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये थोड़ा सा मैं दो बार छोड़ के आई थी कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, पर मैंने देखा कि ये जो भी कलर्ड इसमें लाइट होल्डर्स आते हैं वो इसी प्राइस में आते हैं, तो फिर मैंने ये एक लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक फोटो फ्रेम है, ये कुछ फ्रेम्स बने हुए हैं, बीच में ये वुडन पैनल की लुक दी हुई है, ये इस तरह से कंप्लीट पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। ये इसमें चार पिक्चर्स फिक्स हो जाएंगी, तो ये जो पिक्चर साइज है वो 6x4 का इसमें लगेगा, और वुड कलर है तो फिनिशिंग अच्छी लगी थी, डार्क वुड का जो कलर होता है उस फिनिश में है ये। ये मैं एट होम का प्रोडक्ट है, मैंने अमेज़न से मंगाया है, बट अभी ये वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है,
अगर उसका लिंक मुझे मिलेगा कि अवेलेबल है तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, और एट होम का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम थोड़ा इसको एट होम की साइट से मंगाने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा है पीस और आप मंगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, सीओडी कीजिएगा। प्रोडक्ट जब आपको मिल जाएगा आप तभी इसको कीजिए। मैंने एट होम से पहले भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और सीओडी करना वहां से बेटर है ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रॉपर पैकिंग में होता है और काफी अच्छा बबल रैप और फोम शीट्स लगी होती हैं, तो प्रोडक्ट आपको ठीक मिल जाएगा। मैंने उसमें एट होम से 3-4 बार मंगाया हुआ है सामान। तो ये एक फ्रेम लिया है मैंने, मुझे एक और फ्रेम अच्छा लगा था, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, बट वो टर्कोइश कलर में था, मेरे रूम में जेल नहीं होना था उसमें। अगर आपका कुछ कलर ऐसा प्रेफरेंस नहीं है और आपको वो कलर सूट करता है तो वो पीस भी बहुत प्यारा है, मैं उसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो अच्छा लगे मुझे जरूर बताइएगा। इसमें जो ये पैनल का फॉर्म बना हुआ है फ्रेम्स के बीच में, ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा था, तो ये एक ओवरऑल अच्छी लुक देता है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये पीस इस तरह से ये पैक्ड था, तो खुल के ये पीस कुछ ऐसा लगता है। 4 फ्रेम्स हैं और बीच में ये ऐसे पैनल बने हुए हैं, 2 वुड फिनिश में है, अच्छा लगता है और थोड़ा फैंसी भी है और फ्रेम्स भी है। मुझे फ्रेम्स चाहिए थे तो मैंने एक ये लिया है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे कमेंट भी आया था कि मेरे नॉर्मली होम डेकोर वीडियोस में फ्लावर्स और स्टिक्स होती हैं, तो जी हाँ ये भी वैसा ही है। ये मैंने एक वास लिया है विद दी स्टिक्स, तो ये मैंने 2 स्टिक्स ली हैं फ्लावर्स की और ये वास है, मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। ये सिंगल सिंगल स्टिक है, मैंने इसको ये कॉम्बो बना के लिया था ताकि मैं इसको ऐसे ही लगा सकूँ इसमें। तो ये एक छोटा सा मीडियम साइज का वास है, डिफरेंट शेप है ये, और इसका प्राइस आई थिंक 400 था, 450 था, जो भी प्राइस होगा एग्जैक्ट वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो ये वास लिया है, ये सिंगल सिंगल स्टिक्स थी, ये एक स्टिक ली है मैंने, ये आई थिंक 129 की थी। ये जो भी प्राइसेस होंगी एग्जैक्ट वो स्क्रीन पे ही रहेंगी और जो स्क्रीन पे लिखी हुई प्राइसेस है वही सही प्राइसेस है, तो कई बार इंसान भूल जाता है, तो मैं कई बार कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कई बार 1-2 बार मैंने किया हुआ है प्राइसेस को लेके। तो ये स्टिक है एक, और एक ये सिमिलर स्टिक है बट अलग कलर में है, ये इस तरह से थोड़ा पिंकिश टोन है, ये गाजरी सा टोन है ये, और एक ये मैंने फ्लावर स्टिक ली है। मीडियम साइज की स्टिक्स हैं, बहुत लॉन्ग वाली स्टिक्स नहीं है ये, तो ये छोटे वासेस में अच्छी लगती हैं। एक ये कलर लिया है मैंने, ये पर पीस के हिसाब से ही मुझे मिला था, तो जो भी इसके प्राइसेस होंगी वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये मैंने वास में सेट करके अपने, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, डाइनिंग एरिया में रख सकते हैं, या मैंने किचन में रखा है कुछ दिनों के लिए, बाद में मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी, तो ये मुझे अच्छा लगा था कॉम्बो। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो कैंडल होल्डर ही है, और वो अमेजोन से लिया है मैंने, बहुत ही बेसिक सा होल्डर है ये, इस तरह से ये लीव्स बने हुए हैं, लोटस के लीव्स हैं आई थिंक कार्विंग वाले, और ये बीच में होल्डर है, तो ये भी टी लाइट होल्डर है। मेरे पास होल्डर्स कम थे तो मैंने अभी लिए हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैंने जो होम सेंटर से लिए थे, ये वाला मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो ये कैंडल होल्डर एक लिया है मैंने। आपको ये होम डेकोर के जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज दिखाए हैं वो आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।